स्पिनर T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो खिलाड़ी निभाएंगे ना, जो गेंदबाज निभाएंगे, वो होने वाले हैं स्पिनर्स, क्योंकि वेस्ट इंडीज में ये वर्ल्ड कप होने वाला है। यूएसए का हिस्सा इतना डिफिकल्ट पेज नहीं है, परंतु जो मुकाबले वेस्ट इंडीज में है ना, वहाँ पे स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिलने वाली है। मतलब जिस टीम के स्पिनर्स में दम होगा ना, वो टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 जीते। यो नंबर वन जिसके सबसे खतरनाक स्पिनर है, सबसे ज़्यादा किफायती स्पिनर्स है, वही टीम डार्क हॉर्स मानी जा रही है इस बार की T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा और बताऊँगा 8 टीमों के बारे में जिनके स्पिनर्स में है दम, जो जिता सकते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 अपनी अपनी टीमों को। और जो पहले नंबर वाली टीम है ना यार, वो तो धमाल ही मचाने वाली है। मतलब कोई अभी भी डार्क हॉर्स मानी जा रही है, पर दम है उनके स्पिनर्स में, हल्के में नहीं ले सकते उनके स्पिनर्स को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करता हूँ और 8 टीमों के बारे में बताता हूँ और उनके स्पिनर्स कितने किफायती है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्पोर्ट्स कंसर्ट फैमिली का आप भी समझ जाइए। 8वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का स्पिन डिपार्टमेंट आता है, जिसके लिए एडम जेम्पा और ग्लेन मैक्सवेल खेलने वाले हैं, क्योंकि हमने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भी देखा था कि एक ही स्पिनर के साथ ही टीम उतरती है, ग्लेन मैक्सवेल सॉरी एडम जेम्पा के साथ, दूसरा स्पिनर इनके लिए ग्लेन मैक्सवेल होता है। तो यही मान के चल रहे हैं कि एडम जेम्पा और ग्लेन मैक्सवेल इनके लिए दो स्पिनर्स होने वाला है। एडम जेम्पा का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। एडम जेम्पा ने, ये जो मैं आंकड़े स्टेट्स बताऊंगा, केवल 2024 के ही है, 6 मैचेज खेले हैं 2024 में और T20 क्रिकेट में 10 विकेट लिए और इकोनमी है 10.76 की। मतलब एडम जेम्पा 43 रन देके ऑलमोस्ट 2 विकेट हर मुकाबले में लेके जा रहे हैं। रन ज़्यादा दे रहे हैं पर विकेट भी हर मुकाबले में ऑलमोस्ट 2 ले रहे हैं। दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल 9 मुकाबले खेले हैं, 6 ही विकेट मिले पर इकोनमी भाई साहब बहुत कंट्रोलेबल इकोनमी है, 7.78 की। हर मुकाबले में अगर हम बात कर सकते हैं, 4 ओवर करवाएंगे ना तो 31 रन देंगे और 31 रन आजकल के T20 क्रिकेट में ज़्यादा नहीं। ये भी ऑलमोस्ट 1 विकेट ले लेते हैं, मतलब 2 मुकाबले खेलते हैं ना तो 1 मुकाबले में तो विकेट लेके ही जाने वाले हैं ये ग्लेन मैक्सवेल। अब आती है 7वें नंबर पे, जो टीम है ना वो है न्यूजीलैंड की टीम, मिशेल सेटनर और इसोडी, ये दो उनके स्पिन डिपार्टमेंट के ऑप्शन होने वाले हैं। इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल है, ग्लेन फिलिप्स है, जो स्पिन बॉलिंग करके जा सकते हैं। तो मतलब न्यूजीलैंड के पास स्पिन बॉलिंग के काफ़ी ऑप्शन है, परंतु जो मेन स्पिनर्स हैं ना वो दो ये मिशेल सेटनर और इसोडी। मिशेल सेटनर की बात करें T20 की, स्पेशली 2024 में 7 मुकाबले खेले हैं, 6 ही विकेट मिले, इकोनमी 8.42 की है, हर मुकाबले में 34 रन देके 1 विकेट लेते हैं। मतलब हर मुकाबले में 1 विकेट तो दिलाएंगे प्लस 34 रन कंसीड करने वाले। दूसरी तरफ अगर इस चोटी की बात करें ना तो 10 मैचेज खेले 10 विकेट, इस चोटी भी 34 रन देके 1 विकेट लेते हैं। मतलब इनके स्पिनर्स की पायती होने वाले हर मुकाबले में आपको कम से कम मिशेल सेटनर और इस चोटी मिलकर 2 विकेट तो लेके ही देंगे। जरूर रन ये थोड़ा सा कंसीड कर देंगे पर विकेट आपको डेफिनेटली लेके देंगे, 68 रन देके 2 विकेट लेने वाले हैं। तो 2 विकेट ले रहे हो तो अच्छी खबर है ये। इसके बाद में 6 नंबर पर पाकिस्तान की टीम, इमाद वसीम की वापसी हुई है, शहदाब खान थोड़ा सा किफायती साबित नहीं हो रहे हैं इसलिए इमाद वसीम को अपनी टीम के साथ जोड़ा है। शहदाब खान की बात करें ना तो T20s में स्पेशली 15 मैचों में 14 विकेट लिए हैं 2024 के अंदर और 9 की कौन भी है। मतलब हर मुकाबले में 36 रन देके 1 विकेट ले आने वाले, मतलब रन तो देंगे पर विकेट भी लेके जाएंगे, ये अच्छी चीज़ होने वाली है। दूसरी तरफ इमाद वसीम 26 मैचेज खेले हैं T20s में और 26 विकेटें लिए, इकोनमी बहुत बढ़िया है इमाद वसीम की 7.08 की, और दोनों ही बल्लेबाजी कर सकते हैं, ये अच्छा खासा ऑप्शन है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास इफ्तियार अहमद का भी ऑप्शन है जो बॉलिंग करके जा सकते हैं। मतलब ये दोनों भी 68 रन देंगे और 2 विकेट लेंगे हर मुकाबले में, तो यार अच्छा ही, आप 68 रन दे रहे हो और 2 विकेट हर मुकाबले में आपके 2 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं ना, तो अच्छी बात है, किफायती गेंदबाजी प्लस विकेट भी लेके जा रहे हैं। इसके अलावा अब जो अगली टीम आ रही है इंग्लैंड की टीम की अगर हम बात करें, नंबर 5 पे इंग्लैंड की टीम आती है। इंग्लैंड के लिए मोइन अली और आदिल रशीद, ये 2 स्पिनर्स होने वाले हैं, जरूरत पड़ेगी तो लियम लिविंगस्टोन, विल जेक्स, इनके पास जो ऑप्शंस है ना इंग्लैंड के पास काफ़ी ज़्यादा है, पर मेन स्पिनर्स आदिल रशीद और मोइन अली रहने वाले हैं। आदिल रशीद की बात करें ना तो 2024 में T20s में 11 मुकाबलों में 12 विकेट लिए हैं, 7.51 की कौन भी है। मतलब हर मुकाबले में 30 रन देके कम से कम 1 विकेट तो लेके ही देते हैं, ये अच्छी बात है। दूसरी तरफ मोइन अली 21 मुकाबले खेले हैं, 15 विकेट लिए हैं, 8.55 की कौन भी है, 24
रन देके यहाँ पे थोड़ा सा ये महंगे साबित होते हैं, 34 रन देके, ऑलमोस्ट 34 रन देके, एक विकेट हर मुकाबले में नहीं मिलता है, पर दो मुकाबलों में एक विकेट लेके दे देते हैं। तो इसका मतलब आदिल रशीद पे इंग्लैंड की जो है ना स्पिन बॉलिंग काफ़ी हद तक डिपेंडेड रहने वाली है। इसके बाद में नंबर 4 पे इंडिया का स्थान आने वाला है कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा प्रीमियम स्पिनर होने वाले हैं। देखो कई टीमें 3 स्पिनर्स के साथ भी उतर सकती है, पर मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ ना, दो परमानेंट स्पिनर्स जो प्लेइंग 11 का हिस्सा हर मैच में होने वाले हैं, जैसे यूजी चहल, अक्षर पटेल इंडिया के पास ऑप्शन है, पर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव स्टार्टिंग प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। अक्षर पटेल और यूजी चहल में से किसी को खिलाया जाएगा, इसलिए मैं केवल दो स्पिनर्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। रविंद्र जडेजा की बात करें, टी20s में 2024 के अंदर 12 मुकाबले खेले हैं और मात्र 8 विकेट मिले हैं, पर इकोनमी बढ़िया है, 7.62 की इकोनमी है। और रविंद्र जडेजा को माना भी इसीलिए जाता है कि विकेट से ज़्यादा उनके जो इकोनॉमिकल स्पेल होता है, ज़्यादा रन कंसीड नहीं करते और ओवर्स बहुत जल्दी समाप्त कर देते हैं। मतलब जडेजा भाई साहब हर मुकाबले में 31 रन देंगे और ऑलमोस्ट हर दूसरे मुकाबले में उनको एक विकेट मिल जाता है। इसके बाद में आ जाते हैं कुलदीप यादव, हाईली डिपेंडेंट इंडियन टीम कुलदीप यादव की स्पिन बॉलिंग पे रहने वाली है कि इनका कितना सक्सेसफुल सीजन जाता है टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, उसी पर इंडियन टीम का फ्यूचर डिपेंडेंट होने वाला है। 9 मुकाबले खेले हैं टी20s में 2024 में, 14 विकेट लिए, 8.20 की इकोनमी है, ऑलमोस्ट हर मुकाबले में एक विकेट तो लेते हैं, पर अगर दो मुकाबलों की बात करें ना तो दो मुकाबलों में 3 विकेट मिल जाते हैं, मतलब हर मुकाबले में 1.5 विकेट ले रहे हैं और मात्र 29 रन दे रहे हैं, मतलब किफायती भी और आपको विकेट भी लेके दे रहे हैं। नंबर 3 पे अफगानिस्तान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी, राशिद खान स्पिन का बहुत किफायती ऑप्शन है इनके पास। राशिद खान और नूर अहमद स्टार्टिंग प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं और मोहम्मद नबी भी खेलेंगे क्योंकि वो ऑलराउंडर खिलाड़ी है। तो राशिद खान ने 12 मैचेज खेले, 10 विकेट लिए, थोड़े से राशिद खान इस साल पीके नजर आ रहे हैं बैक सर्जरी से रिटर्न होने के बाद में, और 8.40 की इकोनमी है, हर मुकाबले में ऑलमोस्ट ये भी एक विकेट लेके जाते हैं। थोड़ा सा कई बार हो सकता है कि 3 मुकाबले खेले उसमें एक मुकाबले में विकेट ना मिले, 34 रन देंगे ये। नूर अहमद इन पे हाईली डिपेंडेंट रहने वाली है, 16 मैचेज खेले हैं, 20 विकेट लिए हैं, 7.32 की इकोनमी है और हर मुकाबले में एक विकेट नूर अहमद भी दिलाता है और मात्र 29 रन कंसीड करता है, तो ये भी अच्छी चीज़ है उनके लिए। दूसरे नंबर पर आती है साउथ अफ्रीका की टीम और साउथ अफ्रीका के पास भी है ना केशव महाराज, तबरेज़ सबसी, दो ऑप्शन है इनके पास। एडम माकरम भी गेंदबाजी कर सकते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स भी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो गेंदबाजी के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन रहने वाले। तबरेज़ सबसी की बात करें टी20s में 2024 के अंदर 14 मैचों में 13 विकेट है, 8.50 की इकोनमी है, मतलब हर मुकाबले में 34 रन देंगे और एक विकेट तो ये भी दिला के जाएंगे। दूसरी तरफ केशव महाराज बहुत ही किफायती गेंदबाज है भाई साहब, ये 18 मैचेज में 20 विकेट है, 7.12 की इकोनमी है, ऑलमोस्ट हर मुकाबले में केशव महाराज भी साउथ अफ्रीका को एक विकेट दिलाएंगे, 29 रन देके एक विकेट दिलाने वाले हैं। मतलब तबरेज़ शमसी और केशव महाराज हर मुकाबले में दो विकेट तो साउथ अफ्रीका को दिलाएंगे और रन भी 67 या 68 रन ही कंसीड करने वाले हैं। अगर आपके स्पिनर 67 से 68 रन देके 8 ओवर्स में दो विकेट आपको दिला देते हैं, वो भी मिडिल ओवर्स की फेज में स्पिनर्स गेंदबाजी करते हैं ना, तो वो पूरी इनिंग एक तरीके से कंट्रोल हो जाती है। और नंबर 1 पे जो टीम आती है ना आपको सरप्राइज करेगी, वेस्ट इंडीज, होस्ट नेशन, डार्क हॉर्स मानी जा रही है इस बार के टी20 वर्ल्ड कप 2024 को जीतने के लिए। अकील हुसैन 21 मैचेज में 29 विकेट है, 6.85 की इकोनमी, जरूर आईपीएल में नहीं मौका मिलता अकील हुसैन को, पर बहुत ही किफायती स्पिनर्स है, हर मुकाबले में 27 रन ऑलमोस्ट देके एक विकेट तो लेंगे लेंगे, अगर दो मुकाबले करूं तो 54 रन देके 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज है। दूसरी तरफ रुस्तन चेस 3 मुकाबले खेले हैं, 4 विकेट लिए हैं, 5 की इकोनमी, बहुत ही किफायती इकोनमी है रुस्तन चेस की, ये 20 रन देके ऑलमोस्ट ये भी एक विकेट तो आपको दिलाने ही दिलाने वाले हैं। तो वेस्ट इंडीज की स्पिन बॉलिंग में दंग है, पर तो इंग्लैंड के पास विल जेक्स, लियम लिविंगस्टोन, मोइन अली, आदिल रशीद, इनके पास अच्छे खासे ऑलराउंडर बॉलिंग ऑप्शन भी। अगर मोइन अली नहीं चले, आदिल रशीद नहीं चले गेंदबाजी में, तो विल जेक्स से करवा सकते हैं, लियम लिविंगस्टोन से करवा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। साउथ अफ्रीका के लिए भी तबरेज़ शमसी और केशव महाराज के अलावा एडम माकरम, ट्रिस्टन स्टब, हेनरिक क्लासन भी गेंदबाजी करते हैं। सेम चीज न्यूजीलैंड के लिए होने वाली है, न्यूजीलैंड के लिए स्पिनर से मिशेल सेटनर इस सोडी पर प्लेइंग का हिस्सा ग्लेन फिलिप्स भी रहने वाले हैं, जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में काफ़ी ज़्यादा किफायती गेंदबाजी करी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास ग्लेन मैक्सवेल है, जरूरत पड़ती है तो टिम डेविड से भी गेंदबाजी करवा देते हैं। एडम जैम्पा है इस फास्ट बॉलिंग में, जैसे मिशेल मार्स, मार्कस स्टोनिस, कैमरून ग्रीन, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा हेडेक यही है कि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव या कोई अगर तीसरा स्पिनर अक्षर पटेल खिलाए या यूजी चहल खिलाए, पर ऊपर के बल्लेबाजों में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो स्पिन बॉलिंग करके दे सके, इसलिए वेस्ट इंडीज़ सबसे टॉप पे रहने वाली है। और वेस्ट इंडीज़ मैं मान के भी चल रहा हूँ कि यार सरप्राइज कर सकती है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में दम है, उनकी स्पिन बॉलिंग में दम है, थोड़ी सी उनके लिए जो फास्ट बॉलिंग है ना वो हेडेक बनी हुई है, अगर उसमें सुधार कर लिया ना तो वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप जीत सकती है।